मेरठ में एक सिपाही के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अधिकारियों ने अपने पुलिस कर्मियों के बचाव हेतु गंभीर हो गए। अब जोन के हर पुलिसकर्मी फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव से लैस होंगे। आज खुद एडीजी प्रशांत कुमार ने मेरठ के कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों को फेस शील्ड और सुरक्षा कवच बांटे। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार का यह बड़ा कदम है। आज लॉकडाउन और हॉटस्पॉट का निरीक्षण करने के लिए एडीजी प्रशांत कुमार, आईजी प्रवीण कुमार और एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी समेत आला अधिकारी सड़कों पर निकले। इस दौरान अधिकारियों ने सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मियों का हाल भी जाना। अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों से उनकी परेशानी और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को फेस शील्ड और सैनिटाइजर दिए गए। महानगर के बेगम पुल, बच्चा पार्क, हापुड़ अड्डा और तेजकढ़ी चौराहा पर पुलिस कर्मियों को इन अधिकारियों ने फेस कवर, शील्ड और सैनिटाइजर बांटा। इसी दौरान अधिकारियों ने हॉटस्पॉट इलाके का निरीक्षण भी किया। हॉटस्पॉट एरिया में पहुंचकर वहां तैनात पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर आदि बांटे गए। एडीजी प्रशांत कुमार ने हॉटस्पॉट इलाके में रह रहे लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी दिया। अधिकारियों ने लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक किया। इस दौरान एडीजी ने बताया कि जोन के हर पुलिस कर्मियों को फेस शील्ड और मास्क के अलावा हैंड ग्लव्स आदि दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें। उन्होंने बताया कि हमारे पुलिसकर्मी इस समय हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा पहले है। लॉकडाउन खुलने के दौरान वाहनों के चालान करने को लेकर एडीजी ने बताया कि चालान उन्हीं लोगों के लिए किए जा रहे हैं जो कि बेवजह घरों से बाहर घूम रहे हैं। सभी के पास चेक किए जाते हैं, अधिकांश फर्जी भी निकल रहे हैं। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जब लोग ड्यूटी करते हैं तो इस तरह के संक्रमण के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक नया चीज़ ये किया गया है कि फेस शील्ड जो है, हमने टारगेट दिया है कि अगले 2 दिनों में पूरे जोन में सभी व्यक्तियों को फेस शील्ड भी हो तो हैंड ग्लव्स, मास्क के अलावा फेस शील्ड भी पहने। विशेषकर ऐसे हमारे कर्मचारी जो कि हॉटस्पॉट के आसपास ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे कि संक्रमण फैलने के चांसेस बहुत कम हो। और इसके लिए हम लोग स्वयं भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह पे जो कर्मचारी जिनके पास अभी नहीं है उनको वितरित भी कर रहे हैं। और एकीकृत व्यवस्था है, पुलिस लाइन से जितनी भी संख्या जहाँ की जनशक्ति है उसको हम लोग बांट रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1-2 दिन में इसको हम लोग 100% सभी हमारे कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनको हम लोग वितरित कर देंगे। सर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई की जा रही है और लॉकडाउन का 100% अनुपालन कराया जा रहा है। आप यहाँ खुद देखिए कि ऐसे कोई भी व्यक्ति को घूमने नहीं दिया जा रहा है जो कि जिसके पास पास नहीं है। जो पास दिए गए हैं उनको भी हम लोग उसमें भी कुछ कमी लाएंगे। इसके अलावा कुछ सप्ताह में घोषित करने के बावजूद के बाद हम लोग कुछ बंदी भी करेंगे, जिससे कि इस तरह से जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जाए। और कल से इसके अच्छे ट्रेंड भी आ रहे हैं, अब कम लोग संक्रमित मिल रहे हैं। जोन के लोगों से कोई अपील करा रहे हैं? मैं सभी से अपील है कि इस संकट की घड़ी में प्रशासन की सहायता करें और लॉकडाउन के पालन में उनका सहयोग अपेक्षित है। जिस तरह से हम लोग ड्यूटियां कर रहे हैं कठिन परिस्थितियों में, हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, हमारे होमगार्ड हैं, ये सभी लोग अपने रिस्क पे आगे आके ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण मौके पे सबका सहयोग करें, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करें, अन्यथा बिना किसी कारण के जब तक कि आवश्यक न हो न निकलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डोर टू डोर डिलीवरी की भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी नंबर्स हैं, अगर कोई क्राइसिस हो तो हमें बताएं, वो चीज़ें वहीं पे डोर हम लोग घर पे उनके मुहैया कराएंगे। उसमें
चालान वैसे लोगों के किए जा रहे हैं जो हमारी अपील के बावजूद मानते नहीं हैं और बिना किसी कारण के घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, और जिसके कारण संक्रमण फैलने के खतरा है, उन्हीं के पे चालान किया जा रहा है।